हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय कौशिक और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वीके रियल टेक के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक माइक्रोफोन दोस्तों, जो कि एक कूलर माइक्रोफोन है और ये मुआनो की तरफ से है। तो दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन है जो कि आप अपने स्मार्टफोन में लगा के भी यूज़ कर सकते हो, कैमरे के अंदर लगा के भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम इसका चेक करेंगे कि ये मुआनो का जो माइक्रोफोन है कितना अच्छा हमारे लिए रहेगा और कितना अच्छा नहीं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि मुआनो का माइक्रोफोन कितना हमारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मुआनो की तरफ से लावालीवर माइक्रोफोन। तो दोस्तों, अब हम इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। ये दोस्तों मुआनो की तरफ से लावालीवर माइक्रोफोन और अब इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। ये बॉक्स इस तरह से ओपन होता है और दोस्तों प्लास्टिक बॉक्स, काफ़ी सुंदर बॉक्स दिया गया है। फ्रेंड्स, बॉक्स ओपन करते ही दोस्तों कवर हटाने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर मिलता है, एक मिलता है दोस्तों कूलर माइक, जो आपका ये माइक है, और इसके साथ आपको एक मिलता है दोस्तों कैमरे में अटैच करने के लिए एक कनेक्टर, और दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन फॉर्म, कूलर पे माइक को होल्ड करने के लिए होल्डर, दोस्तों क्लिप मिलती है, और दोस्तों ये इसकी वायर बॉक्स के साथ, और दोस्तों अंदर आपको मिलता है एक थैंक यू कार्ड, ये दोस्तों थैंक यू कार्ड, यूज़र मैनुअल, और दोस्तों आपको एक कैरी करने के लिए मिलता है एक पाउच, और पाउच के अंदर दोस्तों आपको मिलता है एक सेल जिससे आपका माइक्रोफोन जो है वो स्टार्ट होगा। और दोस्तों बात करें पाउच की, तो दोस्तों पाउच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है दोस्तों। और दोस्तों एक और इसके अंदर हमें नॉइस कैंसिलेशन फॉर्म मिला, तो दोस्तों दो नॉइस कैंसिलेशन फॉर्म हमें इसके साथ मिलते हैं। अगर आपका एक गुम भी हो जाता है या फट जाता है तो आप दूसरे को यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों काफ़ी अच्छे पाउच की क्वालिटी के साथ और मुआनो की ब्रांडिंग इस पाउच के ऊपर आपको देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ हमें मिलता है बॉक्स के अंदर दोस्तों। एक सेल, एक क्लिप और एक दो फोम मिलते हैं हमें, एक पाउच मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर मिलता है एक कैमरा कनेक्टर। अगर आप स्मार्टफोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आप इसको निकाल सकते हो, डायरेक्ट स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो 3.5mm के जैक के थ्रू। और दोस्तों अगर आप कैमरा से कनेक्ट करके यूज़ करना चाहते हो तो एक कनेक्टर भी आपको इसके साथ फ्री मिलता है। तो दोस्तों अब मैं इसको कैरी करता हूँ, सेल इसके अंदर में डालना पड़ेगा तभी स्टार्ट होगा। तो मैं बताता हूँ कैसे आपको सेल डालना है। तो इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करने के बाद दोस्तों बुक की, दोस्तों हमें इसके अंदर एक और सेल मिलता है, एक्स्ट्रा सेल हमें दिया गया, इसके अंदर ऑलरेडी एक सेल डाला हुआ है, तो दोस्तों हम डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों क्वालिटी की अगर बात करें तो मुआनो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों मुझे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर दी गई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों इसका लीवर दिया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फॉर्म और क्लिप भी दोस्तों काफ़ी अच्छी दी गई है। तो दोस्तों इस क्लिप को कनेक्ट करने के लिए हमें इसको यहाँ से प्रेस करना है इस तरह से, तो ये जो होल है ये हमारा बड़ा हो जाएगा, और उसके थ्रू दोस्तों हमें इसके अंदर इसे डालना है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे और इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है, आपको इस पॉइंट पर छोड़ देना है इस तरह से। दोस्तों जो आपका ये क्लिप है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और दोस्तों ये फोम जो हम इसके यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो माइक है वो रेडी हो गया है, इस पर नॉइस कैंसिलेशन फोम हमने लगा दी, क्लिप लगा दी, और सेल इसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा सेल आपको इसके साथ मिलता है, और दोस्तों एक एक्स्ट्रा फोम भी आपको इसके साथ मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि एक्स्ट्रा फोम, एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा बैटरी आपको मिलती है इसको माइक्रोफोन, मुआनो माइक्रोफोन के साथ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस माइक्रोफोन की क्वालिटी की, तो दोस्तों अभी वायरिंग की क्वालिटी और लीवर की क्वालिटी, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी मुझे प्रोडक्ट लगा इस प्राइस रेंज के अंदर। दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी, देखने से आपको पता चलेगा कि जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, और यूज़ करने के बाद आप बताना इसकी माइक में आवाज़ कैसी लग रही है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो आप साउंड सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों माओनो लावालीवर माइक्रोफोन से। तो दोस्तों आपको ये साउंड कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इससे पहले जो मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, या जो भी आपने मेरी वीडियोस सुनी है, आप जो वीडियो सुन रहे थे इससे पहले कि दोस्तों, उसमें मैं यूज़ कर रहा था बोया BY-M1 का माइक। तो दोस्तों आप दोनों की क्वालिटी चेक करके बताना कि आपको किसकी साउंड ज़्यादा अच्छी लग रही है।
तो दोस्तों बाकी बोया जो है वो जानी मानी कंपनी है, पहले से ही चल रही है। माओनो अभी नई कंपनी आई है। बाकी दोस्तों माओनो की जो मुझे क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी वायरिंग के मामले में। तो दोस्तों इसकी जो वायर है वो वायर काफ़ी प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू बोया BY-M1 के माइक के। बाकी दोस्तों क्वालिटी साउंड की दोनों की काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों बोया पहले से ही जानी मानी है, बट दोस्तों एक नई कंपनी माओनो ने जो अपना प्रोडक्ट दिया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया है। इसकी वायरिंग काफ़ी अच्छी दी है, आपको दो बैटरीज देती है अपने माइक्रोफोन के साथ में, दो फोम देती है, एक कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए भी एक कनेक्टर देती है। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे माओनो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। इसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, वो है दोस्तों इसकी वायरिंग की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बोया की। तो दोस्तों अगर आपको इन दोनों में से कोई सा एक माइक ख़रीदना हो तो दोस्तों मैं माओनो का आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसकी वायरिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे एज कम्पेयर टू बोया BY-M1 के। बाकी साउंड दोनों की दोस्तों लगभग बराबर ही है, फ़र्क है दोस्तों वो है इसकी क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी में। तो दोस्तों जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बोया BY-M1 के। और दोनों में ही दोस्तों 20 फुट की आपको वायरिंग मिलती है, 20 फुट तक लंबा में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में ही आपको कनेक्टर साथ में मिलता है। दोस्तों अगर आप बोया BY-M1 की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो दोस्तों उसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से आपको किसको खरीदना चाहिए। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपको दोनों ही माइक्रोफोन आपको सेम प्राइस के अंदर मिल जाते हैं, दोनों ही 700 की प्राइस रेंज के अंदर मिलते हैं। मैंने दोस्तों दोनों ही माइक्रोफोन को 700 की प्राइस रेंज के अंदर खरीदा है। ये मेरे भाई ने खरीदा है, ये मैं अपने पास यूज़ कर रहा था। तो दोस्तों मैंने आपके लिए कंपैरिजन करके सोचा कि बताऊं आपको कि कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए अच्छा है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप इस माइक्रोफोन को खरीद सकते हैं, या आपको कोई माइक चाहिए तो दोस्तों ये माइक दोनों ही काफ़ी अच्छे माइक हैं। और दोनों में से दोस्तों मैंने बताया कि अच्छी क्वालिटी माओनो की है। और दोस्तों अगर आप जानी मानी कंपनी का लेना चाहते हैं तो आप बोया का प्रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही माइक जो हैं वो आपकी फ़ोन की कैमरा एप्लीकेशन कई बार सपोर्ट नहीं करती है, तो उसके लिए आपको अलग से थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उसका नाम है ओपन कैमरा। तो दोस्तों ओपन कैमरा नाम की एक थर्ड पार्टी ऐप है, उस कैमरा ऐप को आप डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन के अंदर और फिर आप माइक को कनेक्ट करके वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो दोस्तों आपकी साउंड जो माइक के थ्रू रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसका कैसे ऐड करना है इसके लिए मैंने आपको बोया BY-M1 की वीडियो में बताया हुआ कि कैसे आप ओपन कैमरा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप उसको उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आपको इस बोया BY-M1 को या कोई भी माइक्रोफोन जो आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कैमरा पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कैसे आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, हम ऐसे ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं।